करियर ओरिएंटेड एजुकेशन नहीं होना चाहिए, कैरेक्टर ओरिएंटेड, चरित्र आधारित शिक्षा। और मेकाले के पदार्पण के पश्चात इसका पूरी तरह से उन्होंने गुलाम बनाने की एक फैक्ट्री बनाई, और ये मान लिया गया कि टकसाल अगर बनना है तो उसके लिए अंग्रेजी पढ़ना अनिवार्य है, लेकिन भारत के जितने भी महानतम धन कुबेर थे उनमें से एक ने भी कहीं किसी कॉलेज में जाकर के बिजनेस की, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन किया, किसी चीज़ की, जिन्होंने बड़े बड़े एम्पायर खड़े किए, बड़े बड़े साम्राज्य खड़े किए, पढ़े लिखे भी नहीं थे। हमारे युवा इसलिए ग्रहण नहीं कर रहे हैं कि उन पर करियर ओरिएंटेड एजुकेशन लाद दिया गया है, उनको बताया गया है पैसा कमाना है तो अंग्रेजी ही उसका एकमात्र जरिया है, और संसार की सबसे अधिक अवैज्ञानिक, अंग्रेजी में क्या कहते हैं उसको, अनलॉजिकल, अवैज्ञानिक, अव्यावहारिक, अगर कोई अनसाइंटिफिक अगर कोई भाषा है तो वो अंग्रेजी है। क्या कारण है? मल और माल की एक स्पेलिंग, खल और खाल की एक स्पेलिंग, जल और जाल की एक स्पेलिंग, बट और बाट की एक स्पेलिंग, क्या न्यूसेंस है ये? लिखेंगे जंक्शन और पढ़ेंगे जंक्शन, लिखेंगे स्टेशन पढ़ेंगे स्टेशन, और आपने अब फाइनल को फिनाले कर दिया हुजूर, तो फिर सेल को साले कब करेंगे? सेल को साले कर दीजिए ना। और जो पी जाती है टी, उसकी स्पेलिंग क्या है? टी ए टी ई ए, तो ये तो टेया हो गया। टेया क्यों? अब केवल अंग्रेजी में क्यों जो टी है उसको टी रहने देते ना, कापर टी ना होकर के वो केवल ड्रिंक टी होती तो काम हो जाता, टी दुग्ध शर्करा मिश्रित पर्वतोत्पन्न पेय पदार्थ हो जाता, लोग पीते और मजा ले लेते अगर उनको लेना होता तो। तो टेया, तो ये क्या भाषा है?